अच्छा जी, अभी हम लोगों ने सेक्शन सॉर्ट का जो है वो सही तरीका देख लिया था, उसकी हम लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ली। आई होप मैथमेटिक्स में आपने ये सिंबल किया होगा कि हमारे पास जो है वो समेशन का क्या मतलब होता है। तो बेसिकली इनर लूप को देखें तो हमारे पास समेशन जा रही है, फर्स्ट वैल्यू 1 है, लास्ट वैल्यू एन माइनस 1 है, और हर वैल्यू को हम लोग ऐड कर रहे हैं आई को। तो आई की वैल्यू पहले 1 है, 1 फिर आई की वैल्यू 2 होगी अप टू एन माइनस 1। तो 1 प्लस 2 प्लस अप टू एन माइनस 1, टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 जो है वो हमारे पास बन जाएगा। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट सॉर्ट पे आते हैं, दैट इज बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट जो होती है वो हमारे पास एक डिफरेंट वे से जो है वो चीज़ों को हमारे पास सॉर्ट करती है। बबल सॉर्ट में जो है वो हम लोग ये करते हैं कि ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ भी आ सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। बबल सॉर्ट इसको हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग एक एक ग्लास के बॉटम पे जो है वो हमारे पास कुछ बबल्स हो, कुछ एयर वहाँ पे हो, तो हमारे पास वो बबल्स जो है वो हमारे पास अपवर्ड्स जाते हैं, राइट, ऊपर ऊपर आ जाते हैं। तो बबल सॉर्ट के अंदर भी ऑलमोस्ट हमारे पास वही इफेक्ट बनता है कि हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, सिलेक्शन सॉर्ट में क्या कर रहे थे, एक एलिमेंट को सारे एलिमेंट से कंपेयर करते थे, फिर अगले एलिमेंट को सारे एलिमेंट से कंपेयर करते थे, फिर अगले एलिमेंट को सारे एलिमेंट से कंपेयर करते थे। जो बबल सॉर्ट है इसके अंदर इस तरह नहीं करते, एक एलिमेंट को सारों से कंपेयर नहीं करते। हम लोग जो है वो क्या करते हैं, दो कंजक्टिव एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। इससे पहले मेरे जहन में एक और चीज़ आ गई, लेट्स डिस्कस इट फर्स्ट, फिर हम लोग बबल सॉर्ट पे आते हैं। ये जो हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट है इसके अंदर हम लोगों ने ये तो देख लिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लेगा, और वर्स्ट केस में हमें पता है कि ये हमारे पास एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू जो है वो स्टेप्स लेगा। सिलेक्शन सॉर्ट का बेस्ट केस क्या होगा, बेस्ट केस में कितने स्टेप्स लेगा? सर बेस्ट केस में ये चलना चाहिए, ये तो लूप, इनर लूप तो हमेशा चलेगा, उसके अंदर इफ वाली कंडीशन बेशक ना रन हो लेकिन इनर लूप तो रन होगा। सर एंड टाइम। हाँ हाँ जी अब्दुलरहमान, पहले आप अपना आंसर कंप्लीट करो। मैं कह रहा हूँ ये सर सेम स्टेप्स लेगा ना, बेशक इफ वाली स्टेटमेंट रन ना हो लेकिन फॉर लूप तो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी ना उसकी स्टेटमेंट, इनर जो वेरी फॉर गुड। लूप है। तो आपके ख्याल में इसका बेस्ट केस जो है वो वही होगा जो वर्स्ट केस है? यस सर। तो हमारे पास जो सिलेक्शन सॉर्ट है इसके अंदर अब्दुलरहमान ने बिल्कुल सही आंसर किया कि हमारे पास इसके अंदर जो बेस्ट केस है और जो वर्स्ट केस है दैट वुड बी द सेम। व्हाई दैट वुड बी द सेम? आप देखो कि अगर हमारे पास एरे सॉर्टेड है, ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो क्या हमारे पास इनर जो लूप है उसकी आइट्रेशंस में कोई फर्क पड़ेगा? मतलब वो कम हो जाएंगी, स्वैपिंग्स तो कम हो सकती हैं, या जो इफ स्टेटमेंट है ये तो हमारे पास कम हो सकती है, लेकिन हमारे पास ये जो इनर लूप है ये तो उतनी मतलब एग्जीक्यूट होगी ना, चाहे हमारे पास एरे सॉर्टेड है चाहे अनसॉर्टेड है। हमारे पास अगर फर्ज करो ये 6, 10, 12, 24, 36 हमारे पास सॉर्टेड एरे होती तो 6 को हम लोगों ने बाकी सारों से कंपेयर करना था, स्वैपिंग कोई भी ना होती लेकिन कंपेरिजन तो सारों से होना था। तो जो सिलेक्शन सॉर्ट है इसका हमारे पास इसकी जो हमारे पास बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज ऑल्सो ऑर्डर एन स्क्वेयर, इसकी जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज ऑल्सो ऑर्डर एन स्क्वेयर। तो बोथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आर ऑर्डर एन स्क्वेयर, ठीक है? तो इसकी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास चेंज नहीं होती। तो हम लोग कहेंगे जो सिलेक्शन सॉर्ट है इसकी हमारे पास वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एन स्क्वेयर है, जो इसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास ऑर्डर एन स्क्वेयर है। नाउ कमिंग टू द बबल सॉर्ट, इसके अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि बबल सॉर्ट में हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि दो हमारे पास जो कंजक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको कंपेयर करते हैं। यू कैन गो फ्रॉम अप टूवर्ड्स टॉप टू बॉटम एंड यू कैन ऑल्सो गो फ्रॉम
bottom to top. It's up to you, whatever the convenient, whatever is convenient to you. तो अब हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट टू एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं. अब ये थोड़ा गौर करने वाली बात है कि हमारे पास लास्ट टू एलिमेंट्स को जो है वो हम लोग कंपेयर करते हैं. इसमें से देखते हैं छोटा कौन सा है. सिक्स छोटा है, कोई स्वैपिंग नहीं करेंगे. अब हम लोग सिक्स और टेन को कंपेयर करेंगे, ठीक है. इसमें से देखेंगे हमारे पास छोटा कौन सा है. टेन छोटा है तो टेन की जगह पे सिक्स चला जाएगा और सिक्स की जगह पे टेन आ जाएगा. इन दोनों को स्वैप कर लेंगे. इसी तरह हम लोग फिर देखेंगे कि सिक्स और ट्वेंटी फोर में से हमारे पास छोटा कौन सा है. सिक्स छोटा है तो फिर इन दोनों को जो है वो हम लोग स्वैप कर लेंगे, ठीक है. यहाँ पर ट्वेंटी फोर आ जाएगा, ऊपर सिक्स चला जाएगा. फिर हम लोग देखते हैं कि सिक्स और थर्टी सिक्स में से छोटा कौन सा है. ऑफकोर्स सिक्स छोटा है तो फिर हमारे पास जो है वो सिक्स ऊपर आ गया, थर्टी सिक्स जो है वो नीचे चला गया. तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास बबल सॉर्ट काम करती है. एंड यू सी अ बबल इफेक्ट ना, कि हमारे पास सिक्स छोटा था तो वो एक बबल की तरह जो है वो टॉप के ऊपर चला गया, ठीक है. अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास जो है वो सिक्स जो है वो टॉप में चला गया. तो बबल सॉर्ट की आइट्रेशन के अंदर ये होगा कि आपके पास जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर, स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो एरे के टॉप के ऊपर जो है वो हमारे पास चला जाता है, ठीक है. जो स्मॉलेस्ट एरे, गारंटीड स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो होता है वो हमारे पास एरे की टॉप के ऊपर जो है वो हमारे पास चला जाता है. फिर हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर दोबारा फिर हम लोग अब यही प्रोसेस रिपीट करेंगे. 12 और 10 को कंपेयर करेंगे, 10 और 24 को करेंगे, 24 36 को करेंगे. फिर जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो हमारे पास नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो है वो हमारे पास आ जाएगा. तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये काम करता है. अब सिक्स को हम लोगों ने कंपेयर किया, कंपेयर करते करते हमारे पास टॉप पे चला गया. हम लोगों ने कहा कि सिक्स जो है वो हमारे पास सॉर्टेड आ गया. अब इसी तरह 12 और 10 को कंपेयर करेंगे, ये स्वैप नहीं होंगे. 10 और 24 को कंपेयर करेंगे, ये स्वैप हो जाएंगे. फिर 10 और 36 को कंपेयर करेंगे, ये स्वैप हो जाएंगे. तो अब हमारे पास जो टॉप टू एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास सॉर्टेड हो गए. इसी तरह फिर हम लोग 12, 24, 12, 36 ये हमारे पास स्वैप हो जाएगा. 12 और 36 और आखिर में 24, 36 स्वैप होगा तो हमारे पास पूरी की पूरी एरे जो है हमारे पास सॉर्टेड आ जाएगी. तो ये हमारे पास जो बबल सॉर्ट है इसका हम लोग जो है वो अगर फर्ज करें हमारे पास ये एक एरे गिवन है, इनपुट डाटा हमारे पास ये है, ठीक है. मतलब ऑलरेडी एक सॉर्टेड एरे है वो हम लोग इनपुट के तौर पर देते हैं. तो अब हमारे पास होगा क्या, 36, 24 को हम लोग कंपेयर करेंगे, कोई स्वैपिंग नहीं होगी. 24, 12 को कंपेयर करेंगे, कोई स्वैपिंग नहीं होगी. 12, 10 को कंपेयर करेंगे, कोई स्वैपिंग नहीं होगी. 10, 6 को करेंगे, कोई स्वैपिंग नहीं होगी. अब अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट स्वैप नहीं हुआ फर्स्ट आइट्रेशन में, तो क्या सेकेंड आइट्रेशन में कोई एलिमेंट स्वैप होगा? नो सर, नहीं होगा. तो अगर एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हम लोग बेशक एन iterations कर लें, n-1 iterations कर लें, हमारे पास कोई भी जो है वो हमारे पास एलिमेंट जो है वो स्वैप नहीं करेगा. तो इनफैक्ट इस किस्म का जब केस हो कि हमारे पास एरे जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है और वो हम लोग बबल सॉर्ट को पास करते हैं, तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है वो कोई भी हमारे पास स्वैपिंग नहीं होगी. जब हमारे पास कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी तो हम लोग जो है वो हमें फर्दर आइट्रेशन में जो है फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर ही पता चल जाएगा कोई एलिमेंट स्वैप नहीं हुआ, तो आगे भी एलिमेंट स्वैप नहीं होंगे, तो वी कैन कम आउट ऑफ द एरे. तो इसके अंदर हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बेस्ट केस है वो हमारे पास थोड़ी कम हो सकती है. उसके लिए हम लोग एक फ्लैग यूज कर लेते हैं कि कोई एलिमेंट स्वैप, अगर कोई स्वैप हुआ तो हम लोग जो है वो अगली आइट्रेशन में जाएंगे. अगर कोई स्वैप नहीं हुआ तो हम लोग जो है अगली आइट्रेशन में जो है वो नहीं जाएंगे, मतलब आउटर बाय आ जाएंगे लूप से. ये भी जो है वो हमारे पास ऑर्डर एन स्क्वेयर का है. इसके अंदर अगर आप देखो तो जो जो हमारे पास आउटर मोस्ट जो लूप है वो फर्स्ट टाइम जो है वो हम लोग 36 से 10 तक जो है वो हम लोग जाएंगे, फोर एलिमेंट्स होंगे. नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग यहाँ से 12 तक जाएंगे, हमारे पास थ्री एलिमेंट्स होंगे. अगली आइट्रेशन में हमारे पास टू एलिमेंट्स होंगे, फिर उससे अगली आइट्रेशन में एक ही हमारे पास एलिमेंट होगा जैसे चेक कर रहे होंगे. तो ये भी अगेन वही वाला केस बन जाता है, 4+3+2+1 या n-1+n-2+n-3 up to 1. तो इसकी भी हमारे पास जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो हमारे पास ये ही बनेंगे, लेकिन मे बी जो इसका बेस्ट केस है दैट बिकम्स डिफरेंट. उस पर हम लोग अभी देख लेते हैं, उसको देख